दोस्तों, मेरी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है दिल्ली के इस कड़कड़ाते धूप के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं रिक्शे वालों के ऊपर। दोस्तों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दो टाइम का खाना का अरेंजमेंट कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग पूरी दिन मेहनत करते हैं और शाम में ऐसे सड़कों पर सो जाते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। दोस्तों, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिए ताकि आप भी जानिए रिक्शे वालों का स्ट्रगल के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं एक रिक्शे वाले भैया के पास, और पीछे आप जो सामान देख रहे हो एसी, वो एक जगह पहुंचाना है। तो देखते हैं वो कितने पैसे मांगते हैं, और अगर वो ईमानदारी से पैसे मांगेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा दूंगा। दोस्तों, बहुत दिनों से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं रिक्शे वालों पे, तो चलते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी, फिर इंटरेक्ट करेंगे रिक्शे वालों से और आप सभी को देखना मिलेगा। तो दोस्तों, मिलेंगे दूसरे रिक्शा वालों से और बात भी करेंगे और कुछ काम भी करवाएंगे भी, और देखेंगे उन लोगों का बिहेवियर एंड ऑल। तो अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, रिक्शे वाले तो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं वो, तो उस रोड के उस साइड है क्या, देखना साइड होंगे। यहाँ पर भी लगाते हैं रिक्शे वाले। अच्छा, एक है रिक्शे वाले, बात करेंगे अभी हम लोग चल के। और चल रहे हैं दोस्तों, भैया सामान लेके जाना है, चलिएगा। यहाँ से सामान है और शकरपुर में लेके जाना है। शकरपुर निकालेंगे। एक एसी है, विंडो एसी है। इतना बड़ा एसी है, बस वही निकालेंगे। अरे शकरपुर जो मोड़ है ना आगे वाला, यहाँ पे आपको हमेशा हम यही देखते हैं, यही लोकल के हैं क्या, कि यूपी बिहार के हैं? अच्छा, यूपी में कहाँ से हैं? बरेली से। चलिए बढ़िया है। दोस्तों, हम सब रात में निकले हैं और आप लोगों को सारा व्यू दिखाएंगे, कैसे स्ट्रगल रहता है रिक्शे वालों का, और आप सब ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो, ठीक है? दोस्तों, लक्ष्मी नगर का भूत दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। दोस्तों, एक रिक्शे वाला बहुत कठिनाइयों के जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में दरिद्रता और कमी के सिवा कुछ नहीं होता है। देख सकते हो वो कितने कैसे और गंदे कपड़े पहनते हैं और सड़कों पे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने रिक्शे या किसी मकान के बाहरी बरामदे या छज्जा के नीचे अंदर सोते
दिखाई पड़ रहे हैं, आप सब देख सकते हो उनका जीवन कितना कठिन होता है। दोस्तों, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करना पड़ता है और चाहे कैसा भी मौसम हो उन्हें रोज़ रिक्शा चलाना पड़ता है। घोर वर्षा हो, झुलसती धूप हो तथा कपाने वाला सर्दी हो, कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। उन्हें रोज़ ही अपने बेटों के लिए और अपने परिवार के लिए रिक्शा चलाना पड़ता है। दोस्तों, ज़्यादातर रिक्शे वाले नेचर के अच्छे होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन भली बात करते हैं, तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति संवेदना और उनके प्रति प्यार बनाए रखें। ये रही हमारी छोटी सी वीडियो रिक्शा वालों के बारे में। A few moments later. एक बार ट्रायल करो तो तुम्हारा क्या है।